फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार स्नैक सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज हम इस स्नैक को नूडल्स की सहायता से तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 100 ग्राम नूडल्स ले लिए हैं। कोई भी नूडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, 3 टमाटर मीडियम साइज के, इनको काट लिया है, 2 टेबलस्पून कटी शिमला मिर्च, 3 टेबलस्पून कटी गाजर, 2 मीडियम साइज के प्याज, उनको भी हमने एकदम बारीक काट के रख लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको ग्रेट करके रख लिया है, 1 हरी मिर्ची, बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं एक ही हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून हमारी काली मिर्च पाउडर। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नूडल्स उबालने के लिए मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालिए और साथ में 1/2 टीस्पून ऑयल भी, और हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। गैस एकदम धीमी कर लीजिए और इनको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। हमने अच्छे से दबा दिया है, इसकी गैस मीडियम फ्लेम पे कीजिए और इसे 1/2 कवर करके बॉईल होने दीजिए। आप चाहे तो इसे बीच में 1-2 बार चेक भी कर सकते हैं, पर मैं इसे 3 मिनट बाद ही चेक करूंगी। जब तक हमारे नूडल्स उबल रहे हैं, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तेल गर्म हो चुका है, इसकी फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसके अंदर प्याज डालिए। इसे अब हम 1-2 मिनट पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है प्याज को पकाते हुए। इस टाइम पर आप इसके अंदर अदरक और हरी मिर्ची डाल दीजिए और इसको भी कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। कुछ सेकंड भूनने के बाद आप इसके अंदर गाजर डालिए। आप गाजर की जगह बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मकई के दाने। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च और गाजर को मैंने मीडियम फ्लेम पर 1/2 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और इसको भी हम एकदम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, टमाटर गलना स्टार्ट हो गए हैं। आप इस मसाले को अब जब तक पकाइए जब तक इसमें से तेल छूटने ना लगे। जो कोनों में हमारा तेल आ जाता है जब मसाला अच्छी तरह से पक जाता है, इस मसाले को हमें जब तक भूनना है। जब तक हमारा मसाला भून रहा है, हम चेक कर लेते हैं हमारे नूडल्स बॉईल हो गए हैं या नहीं। ये देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं और मैं अब चेक कर रही हूँ नूडल्स को। प्लेट हटा लिए मैंने और नूडल्स को इस तरह से कांटे में लेकर ये देखिए, ये आसानी से टूट रहे हैं। इस तरह से आप चक्कू या फिर चम्मच ही लेकर चेक कर सकते हैं और नूडल्स हमारे उबल चुके हैं। इसकी गैस बंद कर दीजिए और इसे हम छान लेंगे। ये मैंने छलनी ले ली है और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है। इस तरह से हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे और अब आप इसके ऊपर 1-2 गिलास ठंडा पानी डाल दीजिए। और अब नूडल्स यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मसाला भी हमारा भूनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। साइड में अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसके अंदर हम नमक, ध्यान रखिएगा हमने नूडल्स को उबालते हुए भी नमक डाला था तो थोड़ा कम ही डालें, साथ में लाल मिर्च और काली मिर्च। इस टाइम पर आप इसकी गैस एकदम धीमी कर दीजिए और इसे बस 10 सेकंड के लिए चला दीजिए। मसाला हमारा तैयार है और नूडल्स भी हमने तैयार करके रख लिए हैं, तो अब इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। गैस धीमी रखनी है, तेज नहीं करनी है और हम इसे मिला लेंगे। मैं 2 चम्मचों का इस्तेमाल करूंगी ताकि ये आसानी से मिल जाए। इस तरह से ये देखिए, फैला के मिला लीजिए, लच्छे तोड़िएगा नहीं। इस तरह से ये देखिए, अच्छी तरह से हमने नूडल्स को मिला लिया है। इसकी गैस हम बंद कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, गर्मा गर्म नूडल्स हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे बच्चों के लिए शाम के नाश्ते में या बच्चों के टिफिन के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी होती है। आज मैंने आपको नूडल्स एक देसी स्टाइल से बनाना सिखाया है, जो आपको भी बहुत पसंद आएंगे और बच्चों को भी। आप इन नूडल्स को तीखा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो।
और अगर आपको मेरी ये नूडल्स की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो को लेकर तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।